अस्सलाम वालेकुम, रज़ा अस्करी नजूम स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं 29 अप्रैल से लेके 5 मई तक ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। चार चार बुर्ज की वीडियो होंगी। हम एक वीडियो में बुर्ज हमल से सरतान तक बात करेंगे, फिर बुर्ज असद से आगे बढ़ेंगे और हम अकरब तक बात करेंगे, और फिर तीसरी वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज पौष से लेके बुर्ज पूत तक। नए देखने वाले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और स्पेशली नए सब्सक्राइबर्स जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते हैं। बढ़ते हैं हम हफ्तावार वीडियो की जानिब। यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार वीडियोस में और मंथली वीडियोस में एक डिफरेंस होता है। बुनियादी तौर पर याद रखिएगा कि कमर तेज रफ्तार सितारा है और कमर की जो कंडीशन होती है वो डेली बेसिस पर हमारे रूटीन वर्क पर बहुत अहमियत की हामिल होती है और बहुत गहरे असरात मुरतब करती है। यही वजह है कि हम जब वीकली हॉरोस्कोप की बात करेंगे तो वीकली हॉरोस्कोप में हम कमर की गर्दिश के हवाले से चलेंगे, और कमर की गर्दिश के साथ साथ कमर की नजरात और दीगर स्यारगान की जो नजरात इन दिनों में बन रही है उसके हवाले से आपको मैं ऑलरेडी पहले ही अपडेट कर चुका हूँ मंथली हॉरोस्कोप में, लेकिन इसमें उपाय कदम बढ़ते हैं हम जनाब बुर्ज हमल की जानिब। बुर्ज हमल वालों के लिए 29 अप्रैल से 5 मई के दरमियान शुरू होने वाला ये हफ्ता जो है, इसमें कमर बुनियादी तौर पर आपके 10वें 11वें और 12वें घर में गर्दिश करेगा। 10वें 11वें और 12वें घरों में जो कमर की ये गर्दिश होगी ये बुनियादी तौर पर आपकी मामूलात पर असरअंदाज होगी, और ये असर आगे चल करके आपके काम कारोबार और बिजनेस सब चीज़ों के ऊपर अपना असर दिखाएगा। 29 अप्रैल को कमर और शम्स की तसलीस होगी। कमर और शम्स की ये तसलीस कमर बुनियादी तौर पर आपके जायची के 10वें घर बुर्ज जद्दी में मौजूद होगा, और अगर हम बात करते हैं तसलीस की तो शम्स यहाँ पर जो आपके जायचे में है वो बुर्ज सौर में मौजूद। बुर्ज सौर के हवाले से अगर यहाँ देखा जाता है, और सॉरी कमर आपके साइचे में बुर्ज जद्दी में मौजूद होगा, और शम्स की अगर हम बात करते हैं तो शम्स आपके साइचे के दूसरे घर में बुर्ज सौर में मौजूद होगा। दूसरा घर बुर्ज सौर आपकी माली मामलात के हवाले से बहुत बेहतरीन इफेक्ट लाता है। यहाँ पर कमर और शम्स की ये तस्वीर 29 तारीख को आप अपने माली मामलात का आगाज बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसी तारीख में कमर जौहर के साथ भी तसलीस बना रहा है और कमर यौनस के साथ भी तसलीस बना रहा है। यहाँ पर कमर की ये जो दो नज़र आप 29 तारीख को हो रही हैं, जौहर के साथ तसलीस की अच्छी नज़र है और शम्स के साथ तसलीस की अच्छी नज़र है। ये दोनों नज़रात रुके हुए कामों के लिए, रुके हुए रुपये पैसे के हुसूल के लिए अगर आप कोशिश करते हैं तो ये कोशिशें आपकी कामयाबी से अमकनार होंगी, और इन कोशिशों में आप बहुत बेहतर तरीके से अमल पैरा हो सकते हैं और अपने माली मामलात को दुरुस्त तरीके से हल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर हम देखते हैं 29 तारीख को होने वाली नजरात बड़े स्यारगान के हवाले से, तो मरीख और नेपच्यून का किरान आपके जायचे के 12वें घर में हो रहा है, तो किसी भी किस्म के आपने मुखालिफिन से हासिलीन से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, और ऐसा कोई भी किस्म इंफॉर्मेशन ऐसी कोई भी बात जो आपको मिले उसकी तस्दीक ज़रूर कर लीजिएगा,
क्योंकि यहाँ पर 12वीं कुंभ में आपका जाति सितारा जब भी होगा, कुछ अफवाहें और कुछ गलत बातें भी आपके सामने आ सकती हैं। 30 अप्रैल की अगर मैं बात करता हूँ तो 30 अप्रैल को कमर और यौनस का तसलीस बनाना, कमर की मुश्तरी के साथ तसलीस बनाना, ये याद रखीजिएगा आपके जायचे के 10वें घर से कमर आपके दूसरे घर में मौजूद मुश्तरी और यौनस के साथ भी जब तसलीस बनाएगा तो ये दिन भी आपके रुपए पैसे के मामला के हवाले से, लेन देन के हवाले से, बिजनेस में अगर आपने किसी को अपने काम कारोबार में या मुलाजमत के हवाले से, कैरियर के हवाले से अगर आप कोई काम यहाँ करना चाहते हैं तो ये काम यहाँ पर कामयाबी से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आप अपनी माली हालत को बेहतर बनाने के लिए किसी भी किस्म के कोई यहाँ पर कोशिशें की जाती हैं और एफर्ट्स किए जाते हैं उसमें आपको कामयाबी मिलने वाली है। 30 अप्रैल की और अहम नजरात के हवाले से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ 30 अप्रैल को कमर नेपच्यून के साथ तसलीस भी बनाएगा 10वें और 12वें घरों में। नेपच्यून ऑलरेडी यहाँ पर मरीज के साथ जो है वो किरान की हालत में है और ये कमर की बनने वाली तसलीस आपको कारोबारी मुखालिफिन के हवाले से अपनी गिरफ्त मजबूत बनाने में मावनत फराहम करेगी और मदद फराहम करेगी। यहाँ पर 30 तारीख को मजीद अगर किसी नज़र की बात करते हैं तो 30 को ही कमर की तसलीस मरीज के साथ भी बननी है, नेपच्यून के साथ भी बननी है। आप गमो गुस्से को आप अपने किसी भी कारोबारी मुखालिफ को बातचीत के जरिए, डायलॉग्स के जरिए, गुफ्तगू के जरिए बीट कर सकते हैं और उससे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर 30 तारीख की बात करूँगा तो 30 तारीख को कमर बुर्ज दलू में दाखिल हो जाएगा और 30 तारीख को बुर्ज दलू में कमर दाखिल होने के साथ ही जहरा के साथ स्क्वायर की नज़र बनाएगा और प्लूटो के साथ कंजेक्शन की नज़र बनाएगा। कमर बुनियादी तौर पर हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारे एहसास को जाहिर करता है। आपके जायचे के हवाले से ये चौथे घर का मालिक है और 11वें घर में मौजूद प्लूटो के साथ किरान भी करेगा और किरान करने के साथ साथ जहरा जो आपके जायचे के दूसरे घर में दाखिल हो चुका है उसके साथ स्क्वायर की नजर भी पाएगा। अब ये जो मिली जुली नजरात है यहाँ पर कमर की, और जहरा की और इसके साथ साथ यहाँ प्लूटो के साथ कमर का किरान करना, ये याद रखिएगा जहरा अपने दूसरे घर में है, आपके जायचे के दूसरे घर में, आपके जायचे में मालियात का हाकिम सितारा है और यहाँ पर मालियात के हाकिम सितारे के साथ 11वें घर से प्लूटो और कमर की किरान की बनने वाली ये जो नजर है डरबी की, तो यहाँ पर आपने अपने किसी भी कारोबारी दोस्त सहबाज के साथ आपने लाइट फिट पर कोई काम नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ माली नुकसान भी हो सकता है और माली तौर पर आप मुतासर भी हो सकते हैं। कैरियर के हवाले से अपने दोस्त अहबाब की राय को सुने जरूर, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जहरा आपके दूसरे घर में मौजूद होकर के, शम्स आपके जायचे के दूसरे घर में मजबूत होके आपकी थिंकिंग, आपकी सोच और आपकी एक जो डायरेक्शन है उसको मस्बत सम्त में जाहिर कर रहा है। तो यहाँ किसी भी किस्म की राय को जाने बगैर, पहचाने बगैर और उस पर बाकायदा तहकीक किए बगैर आपने अमल नहीं करना है, ये चीज आपके लिए यहाँ पर मुतासिरकुन हो सकती है। पहली तारीख की बात करूंगा तो जहरा की और शम्स की आपस में तरबी बनेगी 11वें और दूसरे घरों के दरमियान, ये भी दोस्त साहबान के हवाले से अच्छी नहीं है, खसूसन ऐसे दोस्त अहबाब जो आपसे माली फवायद लेना चाहते हैं। यहाँ पर आप कमर और जहरा की तस्दीस से स्क्वायर को बनने वाली नजर को मद्देनजर जरूर रखिएगा।
ज़ोहरा का और कमर का जब भी स्क्वायर बनता है, यहाँ पर सिंफ़ मुखालिफ की इन्वॉलमेंट ज़रूर होती है, फीमेल की इन्वॉलमेंट ज़रूर हो जाती है। अगर आप बजाते खुद खातून हैं और जॉब करती हैं या काम कारोबार करती हैं, उस सूरत में भी यहाँ पर किसी खातून से आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है और मर्दों को तो बाहर आल मोहतात रहना ही पड़ेगा। लेकिन पहली ही तारीख को तकरीबन दोपहर के बाद की जगह हम बात करेंगे, शाम के बाद की बात करेंगे, तो यहाँ पर कमर की और अतारत की आपस में तस्दीस की निगाह बनेगी। तस्दीस सेक्सटाइल की ये जो निगाह बनेगी जब 12वें 11वें घर और पहले घर के दरमियान में, ये आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। अब आपने इस तारीख में, पहली तारीख की शाम के दरमियान में अगर कोई दोस्त साहब आपसे किसी किस्म की कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो वो राय जो कल तक आपके जहन में नहीं बैठ रही थी या आप किसी ऐसे मसले की वजह से फैसला करने की पोजीशन में नहीं है, तो दोस्त साहब आपके साथ इन दिनों में या इस टाइम में आप अगर मुशावरत करेंगे, तो ये मुशावरत आपके लिए मस्बत असरात लेकर आएगी। 2 तारीख को बिल्कुल भी कोई ख़ास अच्छा दिन नहीं है, याद रख लीजिएगा। 2 तारीख को आपने बहुत मोहतात रहना है। कमर, ज़ोहरा और यौनस जो आपस में किरान में थे, इन दोनों के साथ स्क्वायर बनाएगा करबी के, मतलब उनका ज़ोहरा और यौनस आपके सेकंड मिश्री और यौनस आपके सेकंड हाउस में है, ज़ोहरा आपके 11वें घर में है। यहाँ पर आपने अपने मफाद परस दोस्त सहबाब और ऐसे कारोबारी अफराद जो आपसे कुछ एडवांस का मुतालबा कर रहे हों, ऐसे आला अफसरान जो आपसे किसी गलत काम की तवक्को रखते हैं या आपको गलत काम की तरफ साते हैं या आपकी हदूद से बढ़कर आपसे काम लेना चाहते हैं, इन दिनों तक 2 तारीख को आपने यहाँ पर बहुत मोहतात रहना है। 2 तारीख की रात में ही तकरीबन जो आपका कमर है वो आपके साइची के 12वें घर में दाखिल हो जाएगा, ऊट के अंदर, पुरजहूत के अंदर। याद रखिएगा, पुरजहूत को 2 तारीख की रात को यहाँ दाखिल हो जाएगा, तो 3 तारीख को यहाँ पर कमर की और ज़ोहरा की आपस में तस्दीस बनेगी 12वें और 2वें घर के दरमियान में। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या बैरूनी मुल्क से अगर कोई आपका बिजनेस काम कारोबार या लेना देना है और उस सराय से आप कोई पेमेंट का वसूल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कामयाबी मिलने वाली है। 3 तारीख को दीगर बनने वाली नजरात के हवाले से बात करूँगा, तो कमर यहाँ पर ज़ोहर के साथ आपके 12वें घर के अंदर कंजेक्शन भी करेगा, किरान करेगा। ये किरान होगा तो तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, लेकिन ये याद रख लीजिएगा कि सोहल बुनियादी तौर पर पूरे घर को डिस्टर्ब कर रहा होता है। यही वजह है कि कमर से जब 45 डिग्री पर जोहल आता है तो इंसान की सरसती का आवाज होता है। तो ये चीज़ आपने बहुत मोहतात रहनी है, डिप्रेशन से बचना है। नींद की अगर कमी आपको इन 2 दिनों में महसूस होती है, यहाँ पर कमर की जो गर्दिश रहेगी 2 तारीख से लेकर 4 तारीख के दरमियान में, तो यहाँ आपने नींद को किसी भी तौर पर मुतासर नहीं करना है, और पर वक्त नींद करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। डिप्रेशन, आसाबी दबाव और इन चीज़ों से आप काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। यहाँ पर 3 तारीख की और आगे बढ़कर अगर हम बात करते हैं, तो 3 तारीख को मैंने आपसे पहले भी बात की कि सन के साथ, शम्स के साथ भी इसकी कमर की तस्दीस बनेगी, यौनस के साथ भी तस्दीस बनेगी, मुश्तरी के साथ 4 तारीख को तस्दीस बनेगी। 3 तारीख को बनने वाली कमर की और शम्स की ये तस्दीस, और यहाँ पर ऑलरेडी 3 तारीख को अगर हम देखते हैं तो मरीख और प्लूटो की भी तस्दीस मौजूद होगी। मरीख और प्लूटो और कमर और शम्स, इन 4 सितारों का आपस में तस्दीस बनाना आपके लिए एक मस्बत डायरेक्शन को लेकर आएगा, एक मस्बत डायरेक्शन, एक ऐसी सम जिसमें आगे बढ़ करके आप अपनी कामयाबियों के हवाले से किसी भी किस्म का कोई काम कर सकते हैं, किसी भी किस्म का
कोई अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जॉब तो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये तमाम मामला आपको इन दिनों में मस्बत तरीके से मैसर आएंगे। 4 तारीख की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 तारीख का दिन आपके लिए अच्छा है। 4 तारीख को यहाँ रात तक, मिड नाइट तक कमर की जो कंडीशन होगी वो मजबूत में ही होगी, और मजबूत में रहते हुए कमर यहाँ पर योरनस से भी और मुश्तरी के साथ भी तस्दीस की निगाह बनाएगा, और नेपच्यून के साथ कंजेक्शन या किरान की नज़र बनाएगा। कमर और नेपच्यून जब किरान करते हैं तो याद रख लीजिएगा ये आपके ख्वाबों पर बहुत बुरा असर अंदाज होता है। अगर आप इन दिनों में कोई ऐसा ख्वाब देख लेते हैं तो हंस पे टॉपी सदका भी दीजिए, कोई परेशान कुल ख्वाब आ भी सकता है क्योंकि कमर और नेपच्यून का जो किरान होता है वो ख्वाबों में डिस्टर्बेंस लेके आता है, और ख्वाब में होने वाली ये डिस्टर्बेंस बाज़ अफराद इसको अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, तो इस मामले में आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। 4 तारीख की ही बात करूंगा तो 4 तारीख को यहाँ पर कमर आपके ज़ाती घर में, आपके पहले घर बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा, और बुर्ज हमल में दाखिल होने के साथ ही यहाँ पर 4 तारीख को कमर की जो कंडीशन है उसके हवाले से मैं देखता हूँ तो कमर फिलहाल 4 तारीख को किसी भी सितारे के साथ कोई मस्बत या कोई मनसी निगाह नहीं बनाएगा। लेकिन एक चीज़ जिसके लिए मैं आपको यहाँ पर तकलीफ दूंगा एक मिनट की, वो ये कि कमर जब आपके जायची के पहले घर में होगा तो यहाँ पर ऑलरेडी अतारत जो है मौजूद होगा। अतारत के साथ कमर का किरान आपकी जज्बात और आपकी सोच एक चीज़ हो गई, और इसके साथ आपका अमली कदम ये उसमें इख्तलाफात लेके आता है, आपके जज्बात और सोच में और आपके अमली कदम में कमर और अतारत मिलकर इख्तलाफात पैदा करते हैं, और इख्तलाफात की ये नौयत ये होती है कि आप जज्बाती तौर पर फैसला कर लेते हैं और जज्बाती तौर पर किए गए फैसले कतई तौर पर अच्छे नहीं होते। इन तारीखों में आपने नज़रसानी करना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपको कोई मुश्किल दरपेश आ रही। यहाँ पर मरीख और प्लूटो की तस्वीर ऑलरेडी 4 तारीख तक आपको फायदा देती रहेगी। प्लूटो जो आपके जायचे के 11वें घर में है और मरीख जो है वो आपके जायचे के पहले घर में है। 30 अप्रैल को मरीख आपके जायची के पहले घर में दाखिल हो करके आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत, इज्जत, वकार, कुव्वत फैसला, हौसला, हिम्मत, इन सब चीज़ों में बेहतरी लाएगा। कम अज़ कम 2 माह के करीब यहाँ पर मरीख ने रहना है, और मरीख आपके जायची के जब पहले घर में मौजूद होगा यहाँ ऑलरेडी अतारत भी होगा और यहाँ पर राहु भी होगा। राहु के साथ कमर का किरान अगले हफ्ते होगा, उस पर हम आगे चलकर के बात करेंगे। लेकिन 5 तारीख तक कमर यहाँ पर 5 तारीख को मरीख के साथ किरान करेगा। मरीख के साथ कमर का ये किरान आपकी साथ के हवाले से अच्छा नहीं, जज्बाती फैसले ज़्यादा हो सकते हैं और गम गुस्से में तेज़ी हो सकती है। इसके साथ साथ अगर ये चीज़ ऐसे कपल्स, ऐसे जोड़े जिनके दरमियान कुछ तलाफात चल रहे हो तो उनके लिए ये तकलीफ के बात हो सकती है। आपने इस दिन में बहुत ज़्यादा मौकात रहना है। बुरसौर के हवाले से हम बात करते हैं। बुरसौर आपका ज़ाती सितारा ज़ोरा इस वक्त आपके 12वें घर में है, और इस हफ्ते में ज़ोरा का जो ट्रांसिट है वो बुनियादी तौर पर इस हफ्ते के आगाज़ के साथ ही आपके जायचे के पहले घर में हो जाएगा। 29 अप्रैल से ज़ोरा आपका अपना सितारा आपके जायचे के पहले घर में दाखिल हो जाएगा। कमर की नज़रात के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कमर बुर्ज जंती में होगा,
और सौर वालों के हवाले से जल्दी आपके जायचे का बुनियादी तौर पर नवा घर, कमर की गर्दिश नवे और दसवें घरों में रहने की। नवे घर से कमर की तस्वीर आपके पहले घर के दरमियान में बनेगी। 29 तारीख को ये कमर की तस्वीर आपके नवे और 11वें घरों के दरमियान में बनेगी। 29 तारीख को ही कमर की तरबी आपके जायचे के नवे घर और आपके जायचे के 11वें घर, ये 12वें घर में बनेगी। 9वें और 12वें घर के दरमियान में बनने वाली तस्वीर तरबी ऐसे लोगों के लिए अच्छी नहीं होगी जो पहल मुमिक सफरात या इस तरह के काम करना चाहते हैं। यहाँ पर इस पूरे दिन का जो लुपे लुबाब है वो सादा सा ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि कमर और मरकरी की जो तरबी बन रही है, स्क्वायर बन रही है, तो आपने यहाँ पर जज्बाती तौर पर कोई फैसला नहीं करना है। सोच समझ कर अगर आप काम करेंगे तो 29 तारीख को ये जो 3 साथ नजर आते हैं, कम आपके जाती सितारे का पहले घर में आना, कमर शम्स का तस्वीर बनाना और फिर कमर का सोहेल के साथ तस्वीर बनाना, रुके हुए कामों की तकमील के हवाले से ये दिन बहुत बेहतर होगा। 30 तारीख की अगर मैं बात करता हूँ, 30 तारीख को कमर की नजरात काफ़ी हद तक हैं, कमर अपना घर भी बदली करेगा और कमर आपके जायचे के 10वें घर में दाखिल हो जाएगा 30 तारीख को, 30 अप्रैल को। यहाँ पर कमर की 30 तारीख को बनने वाली तस्वीर की जो निगाह है वो है बुनियादी तौर पर यौनस और मुश्तरी के साथ कमर का तस्वीर बनाना, इसके साथ साथ कमर का नेपचून के साथ तस्वीर बनाना, कमर का मरीख के साथ तस्वीर बनाना, ये 4 नजरात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। ताहम रात गए तकरीबन लेट नाइट के करीब कमर और जोहरा की स्क्वायर तरबी बनेगी, ये आपके लिए अच्छी नहीं होगी। अगर हम 30 तारीख के दिन की बात करते हैं तो आप इस दिन में अपनी तौर पर अपने काम कारोबार के हवाले से, रुपये पैसे के हवाले से, अपनी साख इज्जत वकार के हवाले से किसी भी किस्म का कोई काम कर ले, 30 तारीख आपके लिए बेहतरीन साबित होने जा रही है। सिर्फ आपने अगर केयर करनी है तो इस हवाले से केयर करनी है कि आप अपने बहन भाइयों के दरमियान में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ होता है, करीबी ताल्लुकात में कोई इख्तलाफ होता है, उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना है। 1 मई की हम बात करते हैं, 1 मई को कमर और शम्स की तरवी बनेगी। शम्स आपके जायचे के पहले घर में है, कमर आपके जायचे के 10वें घर में है। पहले और 10वें घर दो में बनने वाली ये तरवी और मरकरी के साथ मतारत के साथ बनने वाली तस्दीस, ये दो मिली जुली असरात देगी 1 तारीख को। यहाँ वही बात मैं करूँगा, दोहराऊँगा कि कमर और अतारत की जब भी दोस्ती की नज़र बनती है ये आपकी सोच में वसतें इजाफा लेके आती है। आपने ज़रा ब्रॉड माइंडेड हो के बोल्ड स्टेप लेने हैं, किसी भी किस्म का कोई ऐसा काम, ऐसा मसला अगर आपके और आपके आला अफसरान के साथ दरपेश है तो वहाँ एहतियात कीजिएगा। 2 तारीख की हम बात करेंगे तो 2 तारीख को बनने वाली नजरात बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। 2 तारीख को कमर बुनियादी तौर पर आपके बुजूद में 11वें घर में भी दाखिल हो जाएगा और यहाँ पर कमर की जो तरबी बनने वाली है वो दिन के टाइम में कमर जोहरा के साथ और कमर मुश्तरी के साथ और योनस के साथ तरबी बनाएगा। 2 तारीख को अचानक अगर आपके ऊपर किसी किस्म के अखराज आ जाते हैं, इजाफी अखराजात आ जाते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना है, मेंटेन करें मामलात को, किसी तौर पर आगे लेके बढ़ें, ये तो ये मामला इंशाल्लाह आपके हक में बेहतर रहेंगे। 3 तारीख को कमर बुध आपके 11वें घर में और जोहरा आपके जायचे के पहले घर में होगा। यहाँ पर 3 तारीख को कमर की और जोहरा की तस्दीस बनेगी। 2 सहबाब और दीगर साथी आपके लिए मावनत फराहम कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और वजाहत कर देता हूँ, 3 तारीख के हवाले से कमर और शम्स की भी तस्दीस बनेगी और इसके साथ साथ कमर और जोहरा का किरान भी होगा।
कमर और जोहर का इकराम बुनियादी तौर पर 11वें घर में हो रहा है। दो साहबाब में मेरे करीबी कारोबारी लोगों में या ऑफिस में आला अफसरान से किसी किस्म की जब कलश या नोक झोंक हो सकती है। आपने 3 तारीख के हवाले से बहुत ज्यादा मोहतात रहना है। 4 तारीख की मैं बात करता हूँ तो 4 तारीख को बनने वाली नजरात अच्छी है, इस हवाले से अच्छी है कि कमर यूरेनस के साथ भी और मिश्री के साथ भी तस्दीस की निगाह बनाएगा, नेपच्यून के साथ किराम करेगा और इसके साथ ही रात गए 4 तारीख को कमर का दाखिला पुरुष हमल में हो जाएगा। कमर की ये नजरात जो 4 तारीख को बन रही हैं, ये आपके माली मामलात के हवाले से, रुपए पैसे के हवाले से, एक्स्ट्रा आमदनी के हवाले से या किसी से अगर आपने रकम लेनी है, रुपया पैसा लेना है, उस हवाले से ये नजरात बहुत अहमियत की हामिल है। 5 तारीख को यहाँ पर कमर आपके जायचे के 12वें घर में दाखिल हो जाएगा और 12वें घर में यहाँ मरीख भी मौजूद है। याद रखिएगा 5 तारीख को कमर ने प्लूटो के साथ तस्दीस बनानी है, यहाँ से प्लूटो का पोटेंशियल मिलेगा और इसी दिन यही कमर मरीख के साथ किरान भी करेगा। अब 12वें और 10वें घरों के दरमियान बनने वाली ये जो कमर की प्लूटो के साथ तस्दीस और ये चीज है, ये याद रख लीजिएगा। यहाँ पर आपने अपने कैरियर में, अपने मुस्तकबिल में और अपने ऑफिस में या अपने कारोबारी मामलात में किसी भी किस्म की कोई लचक नहीं करनी है, बल्कि आप जिससे जो काम लेना चाहते हैं अगर आप उसकी जानब बढ़ते हैं तो आपको उसमें कामयाबी मिलने वाली है। इस हफ्ते में कोई ऐसी लहस नजर नहीं है, हस्ब तौफीक सबका आप देना चाहें तो दे सकते हैं, बाकी कोई इतना बड़ा इशू आपको दरपेश नहीं होगा। बात करते हैं हम वर्ज जौजा जेमिनी वालों के लिए, यह हफ्ता कैसा रहेगा। जेमिनी वालों की अगर हम बात करेंगे तो जेमिनी वालों के जायचे में कमर की गर्दिश 8वें और 9वें घरों में होगी। 8वें और 9वें घरों में कमर का ये गर्दिश करना आपके लिए कैसा रहेगा। कमर आपके जायचे में दूसरे घर का मालिक है, 8वें घर में गर्दिश करते हुए आपके माली मामलात में उतार चढ़ाव लेके आएगा। 30 तारीख को कमर ने बुनियादी तौर पर यहीं रहना है 29 अप्रैल को, और 30 अप्रैल को यहाँ पर कमर की जो गर्दिश होगी 8वें घर में और कमर की जो नजरात बनेंगी वो 10वें घर में जोहर के साथ एक अच्छी नज़र बनेगी, 11वें घर में अतारत के साथ स्क्वायर तरबी की नज़र बनेगी और 12वें घर में बुनियादी तौर पर अगर यहाँ से देखते हैं यूरेनस को और जुपिटर को जो आपके जायचे के 12वें घर में है, तो याद रख लीजिएगा 9वें घर और 12वें घरों के दरमियान में ये बड़ी अच्छी नजरात बन रही है। ये तारीख आपके लिए मिले जुले असरात की हामिल होगी। ताहम आपने रुपए पैसे के हवाले से किसी भी किस्म का कोई स्टेप लेते हुए बहुत ज्यादा दलेरी नहीं दिखानी है। आज इन दिनों में किसी भी किस्म का माली मामला हल करना चाहते हो तो सोच विचार के काम कीजिएगा, आपका बजट डिस्टर्ब हो सकता है। 30 तारीख की हम बात करेंगे तो 30 तारीख के दिन में तो बुनियादी तौर पर कमर बहुत जल्दी में ही रहेगा, लेकिन शाम के बाद कमर की गर्दिश आपके जायचे के 9वें घर में हो जाएगी। इस दिन के हवाले से बात करेंगे तो कमर की यहाँ पर नजरात बहुत अच्छी है, कोई ऐसा मैटर नहीं बनेगा, इसलिए कि कमर को जद्दी में रहते हुए तस्लीस की निगाह बनाएगा 8वें घर से लेके 11वें घर के दरमियान में, 12वें घर के दरमियान में, 8वें और 12वें घर के दरमियान में जब ये तस्लीस की नज़र बनेगी ये बहुत अच्छी रहेगी। आप किसी भी किस्म की एक्सपेंशन से बच सकते हैं, इजाफी खर्चात से बच सकते हैं, इजाफी मामलात से बच सकते हैं। यहाँ पर कमर की तस्दीस मरीख के साथ भी होगी जो आपको एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल दे सकती है, एक एनर्जी दे सकती है और ये प्लूटो की जो एक एनर्जी है वो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मुआवनत फराहम करेगी, पार्टनरशिप के हवाले से भी और दीगर दुनियावी और कारोबारी वसाइल के हवाले से भी। 30 तारीख को
आपके जायचे में नवे घर में कमर का दाखला हो जाएगा और नवे घर में कमर दाखिल होने के साथ ही यहाँ पर आपके बारहवें घर में मौजूद जोहरा के साथ स्क्वायर बनाएगा और नवे घर में ही मौजूद प्लूटो के साथ किरान करेगा। यहाँ पर किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं, बिल्कुल खुल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। ताहम अगर यहाँ कोई ऐसा काम आप करते हैं, किसी दोस्त के साथ मिलने के लिए बाहर जाते हैं या कोई इस तरह की आउटिंग करते हैं, उस मामलों में आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने वाली है। पहली तारीख की अगर मैं बात करूँगा यकम मई की, तो यकम मई को मिला जुला रुझान होगा। ताहम जज्बात पर आपने कंट्रोल रखना है, इसलिए कि आपका ज़ाती सितारा आपके दूसरे घर के सितारे के साथ तस्दीस की निगाह बनाएगा, अतारत की और कमर की यहाँ पर तस्दीस बनेगी। ये आपके माली मामलात के हवाले से, दो सहबाब के तावुन से, किसी भी किस्म के माली मामलात हल होने के हवाले से बहुत बेहतरीन दिन होगा। दो तारीख की अगर हम बात करते हैं तो दो तारीख को कमर यूरेनस के साथ और जुपिटर के साथ स्क्वायर बनाएगा नवे घर और आपके बारहवें घरों के दरम्यान में। ये जरा मोहतात रहने के दिन होंगे, इस तारीख को आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। इमिग्रेशन के हवाले से कोई काम नहीं करना है, किसी ऐसे एजेंट को या किसी ऐसे बंदे को आपने रुपया पैसा नहीं देना है जो आपसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसा ले रहा हो। तीन तारीख की अगर मैं बात करता हूँ, तीन तारीख को बहुत अच्छी नज़र आते हैं। तीन तारीख को आप ब्लाइंडली खेल सकते हैं किसी भी मामले से, जोहरा के साथ और शम्स के साथ बनने वाली कमर की तस्दीस की निगाहें नवे और ग्यारहवें घरों के दरमियान में बहुत अच्छी अहमियत की हामिल होगी। चार तारीख की अगर मैं बात करता हूँ तो चार तारीख को यहाँ पर कमर यूरेनस के साथ और मुश्किल के साथ तस्दीस बनाएगा। आपके जायचे के हवाले से अगर मैं देखता हूँ तो कमर कुछ ऊंट में मौजूद होगा आपके दसवें घर में और यूरेनस और मिश्री आपके जायचे के बारहवें घर में होंगे। अपने कैरियर मुस्तकबिल, आला अफसरान, कारोबारी ताल्लुकात, कारोबारी मामलात के हवाले से ये दिन आपका मसरूफ भी गुजरेगा और इस दिन में आपको कामयाबियाँ भी मिलेंगी। पाँच तारीख की अगर मैं बात करता हूँ तो याद रख लीजिएगा, चार की रात को कमर यहाँ पर पुरझमल में आपके बारहवें घर में, आपके ग्यारहवें घर में दाखिल हो जाएगा और ग्यारहवें घर में दाखिल होने के साथ ही कमर की प्लूटो के साथ तस्दीस की निगाह बनेगी और बहुत अच्छी निगाह बनेगी। यहाँ पर कमर मरीख के साथ किरान भी करेगा। कमर आपके जायचे में दूसरे घर का मालिक है, मरीख आपके जायचे में छठे घर का मालिक है। जॉब से रिलेटिव कोई भी मसाइल हो आप पाँच तारीख को हल कर सकते हैं। ऑफिस के मामलात में जारी किसी भी किस्म की मोनोपोली को ख़त्म करने के हवाले से, सियासत को ख़त्म करने के हवाले से ये दिन अहमियत का हामिल होगा। बढ़ते हैं हम जनाब बुर्ज सरतान की जानिब। बुर्ज सरतान वालों के हवाले से बात करेंगे तो आपका ज़ाती सितारा कमर आपके जायचे के सातवें घर, आठवें घर और नवें घरों में गर्दिश करेगा और इस हफ्ते के अख्ताम के दरमियान ही यानी 29 अप्रैल से लेकर के और तकरीबन 5 मई के दरमियान में जो ये पूरा हफ्ता है, यहाँ पर कमर की गर्दिश आपका ज़ाती सितारा सातवें, आठवें, नवें घर में गर्दिश करेगा और आखिरी तारीख को दसवें घर में दाखिल हो जाएगा। यहाँ पर जो नजरात कमर की आपकी बनेंगी आपके जायचे के हवाले से, तो कमर तकरीबन तमाम सितारों के साथ मस्बत मनफी दोनों किस्म की निगाह बनाएगा। 29 तारीख को आपके पहले और सातवें घर के मालिक सितारों की तस्दीस बनने जा रही है, जबकि शम्स के साथ आपके दूसरे घर मालियात के हाकिम सितारे के साथ तसलीस बनने जा रही है। 29 अप्रैल आपके माली मामलात के हवाले से, पार्टनरशिप के मामलात के हवाले से बहुत अच्छी तारीख साबित होगी। 30 अप्रैल की अगर मैं बात करता हूँ, 30 अप्रैल को जोहरा ऑलरेडी आपके जायचे में आपके ग्यारहवें घर में दाखिल हो चुका होगा। मरीख आपके दसवें घर का मालिक आपके दसवें घर में दाखिल हो चुका होगा 30 तारीख को।
यहाँ 10वें और 11वें घरों के मालिकान का मजबूत होना आपके काम कारोबार दोस्त सहबा बाला अफसरान कैरियर इनसे मुतल्लिका मसाइल को अगले 4 हफ्तों तक बेहतरीन आपको टाइमिंग्स मिलेंगी इस ट्रांजिट के हवाले से। तमाम 30 अप्रैल की अगर मैं बात करता हूँ तो कमर आपके जायचे में चंदी में रहते हुए आपके जायचे के 11वें घर में तसलीस बनाएगा योनस के साथ और मुश्तरी के साथ। 7वें घर के अंदर रहते हुए जब ये तसलीस बनती है 11वें घरों के दरमियान तो ये दोस्त साहबाब के साथ पार्टनरशिप के हवाले से सरमायाकारी के हवाले से और या दीगर ऐसे मामला के हवाले से जिसमें आप समाजी तौर से कोई बेहतर काम करना चाहते हो उस हवाले से ये बहुत अच्छे दिन होंगे। 30 तारीख को आगे बढ़ते हैं हम दोपहर की बात करते हैं तो यहाँ कमर और मरीख के साथ तस्दीस की निगाह बनेगी और इसी दिन कमर आपके जायचे में 8वें घर में दाखिल हो जाएगा और 8वें घर में दाखिल होने के साथ ही जोहरा के साथ स्क्वायर बनाएगा और प्लूटो के साथ कंजेक्ट करेगा। यहाँ पर 8वें घर में प्लूटो के साथ कमर का कंजेक्ट करना और 10वें घर में मौजूद जोहरा के साथ 11वें घर में मौजूद जोहरा के साथ दर्पी बनाना सिनफ मुखालिफ के हवाले से कोई ख़ास अच्छे दिन नहीं होंगे। ऑफिस के मामलात में काम के मामलात में आपको मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं। पार्टनरशिप में आपको अदम एतमाद का या तो तावुन का सामना हो सकता है। 1 मई की अगर मैं बात करूंगा तो 1 मई को कमर आपका जाती सितारा आपके 12वें घर और आपके दूसरे घरों के साथ नजरान बनाएगा। रुपये पैसे के मामलात आपके मुतासिर हो सकते हैं। 1 मई को आपने बहुत एहतियात के साथ रुपया पैसे के मामलात को लेके चलना है। इसी दिन में कमर और जो अतारत की निगाहें हैं ये जज्बात में तेजी लेकर आएंगी, इसलिए बहन भाइयों के दरमियान भी कुछ जज्बाती मामलात हो सकते हैं। बहुत मोहतात होके रहिएगा और किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग या ट्रैपिंग में आने की जरूरत नहीं। 2 मई के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो 2 मई को कमर की नजरात अच्छी नहीं है। कमर यहाँ पर वो दलू में रहते हुए आपके जायचे के 11वें घर में मौजूद मुश्तरी के साथ और योनस के साथ दरबी बनाएगा। यहाँ पर रुपया पैसा फालतू खर्चा दोस्त सहबाब के साथ कहीं जाएंगे तो आपको दरपेश आ सकते हैं। बहुत मोहतात तरीके से आपने ये दिन गुजारना है। 3 मई को अगर मैं बात करता हूँ तो 3 मई को यहाँ कमर की मौजूदगी आपके जायचे के 9वें घर में होगी। 9वें और 11वें घरों में तस्दीस जोरा के साथ, 9वें और 11वें घर में शम्स के साथ तस्दीस बनेगी और 9वें घर के अंदर जोरा का और जोहर का किरान भी होगा। ये तीनों नजरात इस हवाले से बहुत अच्छी होंगी कि आप अपनी किस्मत में बेहतरी लाने के लिए दोस्त सहबाब के साथ मिलकर किसी भी किस्म का काम करते हैं, दोस्तों के तावुन से कोई काम करते हैं तो इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। 4 तारीख के हवाले से अगर मैं बात करूंगा तो 4 तारीख को भी कमर की नजरात अच्छी है। 4 तारीख को यहाँ मुश्तरी और योनस के साथ कमर की तस्दीस की निगाहें बनेंगी और ये निगाहें बदस्तूर आपको पूरा दिन अच्छे असरात और अच्छे सम्राट और अच्छी खबरें मिलती रहेंगी। 5 तारीख को बुनियादी तौर पर कमर आपके जायचे के 10वें घर बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा और बुर्ज हमल में दाखिल होने के साथ ही आपके 8वें घर में मौजूद प्लूटो के साथ तस्दीस की निगाह बनाएगा। ये निगाह आपके कर्जों के मामलात को आपके विरासती मामलात को इन दिनों में छेड़ सकती है, लेकिन ये मामलात आपकी शख्सियत के लिए मस्बत होंगे, मनफी नहीं होंगे। 5 तारीख को ही कमर का और मरीज का 10वें घर में किरान होगा और ये किरान आपकी शख्सियत के हवाले से, आपके मिजाज के हवाले से, कारोबार के हवाले से बहुत मस्बत साबित होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले हफ्ते में अगली वीडियो में। इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।